हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम टारगेट्स में आपका स्वागत है। हम लेके आए हैं यूपी के लगभग 600 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बड़े महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के उपरांत पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर बनाना है। आपके सामने चार ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? तो कौशल महाजनपद की राजधानी थी, चार ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर बनाना है। कौशल महाजनपद की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल में सर्वाधिक साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल में सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपके उत्तर प्रदेश के। फ्रेंड, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सराय नारायण में। यह आपका प्रतापगढ़ में पड़ता है, सराय नारायण, महादा, दमदमा, यह आपका प्रतापगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में गंगा के मैदानी क्षेत्र को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य देश। उत्तर प्रदेश के गंगा मैदानी क्षेत्र को प्राचीन काल में आपको मध्य देश के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचाल महाजनपद के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी कहाँ पर थी? चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अहिच्छत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत महाकाव्य के अनुसार काशी की स्थापना किसने की थी? तो महाकाव्य के अनुसार जो है काशी की स्थापना देवोदास ने की थी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्योत्तर काल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर का नगर रेशम मार्ग से संबंध था और एशिया से जुड़ा हुआ था? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वह क्षेत्र जो 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम में सर्वाधिक प्रभावित हुए? तो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, इसका राइट आंसर होगा अवध और बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 मई 1857 ईस्वी में आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, 10 मई 1857 के आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था? तो हर्षवर्धन ने दो धार्मिक सम्मेलन किए थे, वो कहाँ किए थे? इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्नौज, प्रयाग, जो इलाहाबाद में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा के आसपास के क्षेत्र को किस राज्य के नाम से जाना जाता था? तो मथुरा का जो आसपास का क्षेत्र है वो ऑप्शन बी, सूरसेन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत अयोध्या, साकेत जो है वो अयोध्या में किस महाजनपद की राजधानी रहा है? तो साकेत जो है वो आपका ऑप्शन सी, कौशल की राजधानी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र किस महाजनपद में आता था? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको राइट आंसर बताना, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र किस महाजनपद में आता था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बत्स। तो बत्स में, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र जो है महाजनपद में आता था, बत्स के। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर किस महाजनपद की राजधानी रहा है, जिसका विस्तार क्षेत्र जिला कुशीनगर था? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मल। मल जो है कुशीनगर महाजनपद की राजधानी रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक के द्वारा टोपरा व मेरठ में के अशोक स्तंभ के लेखों को दिल्ली लाया गया? तो किसके द्वारा लाया गया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के द्वारा टोपरा एवं मेरठ स्तंभ लेख को दिल्ली स्थापित करवाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। दोस्तों वीडियो पूरा लगाएं ताकि आने वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर सकें। तो फ्रेंड, जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके और बेल आइकन दबा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक द्वारा कौशाम्बी के स्तंभ लेख को प्रयाग में स्थापित किया गया? तो कौशाम्बी स्तंभ लेख को प्रयाग में जो स्थापित किया गया है उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। अकबर के द्वारा कौशाम्बी स्तंभ लेख को प्रयाग में स्थापित किया गया। प्रयाग जो इलाहाबाद में पड़ता है, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से महाजनपद काल में मित्र उपाधि वाले राजाओं और कुषाणों के सिक्के प्राप्त हुए हैं? जो मित्र उपाधि धारण करते थे वो राजा और कुषाणों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अहिच्छत्र। अहिच्छत्र से मित्र उपाधि वाले राजाओं और कुषाणों के सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के किस स्थल से गुप्तकालीन यमुना की एक मूर्ति प्राप्त हुई है? यमुना की जो मूर्ति प्राप्त हुई है गुप्तकालीन, तो उसका राइट आंसर तो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अहिच्छत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कन्नौज किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासक कौन था? तो मोहम्मद गौरी के समय कन्नौज का शासक कौन था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जयचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार हर्षवर्धन के समय उत्तर प्रदेश के नगर को नगर महोदय श्री कहा गया है? तो महोदय श्री किसे कहा गया है, इसका राइट आंसर आपको बताना। चार ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध काल में शाक्य गणराज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो शाक्य गणराज्य की राजधानी ऑप्शन सी, कपिलवस्तु में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको वर्तमान में सिद्धार्थ नगर के नाम से जाना जाता है? तो सिद्धार्थ नगर को किस नाम से जाना जाता है, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है सिद्धार्थ नगर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कपिलवस्तु। पहले ये कपिलवस्तु था, इसका नाम अब चेंज हो के सिद्धार्थ नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिषाचार्य महा बरहमिहिर की जन्मस्थली है? ज्योतिषाचार्य बरहमिहिर की जन्मस्थली है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांपिल्ले। कांपिल्ले जो है इनकी जन्मस्थली है बरहमिहिर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांपिल्ले गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कांपिल्ले उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्रुखाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपद काल में दक्षिण पंचाल की राजधानी कहाँ थी? महाजनपद काल में दक्षिण पंचाल की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांपिल्ले। वो दक्षिण पंचाल की राजधानी जो थी वो आपकी कांपिल्ले थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजियाबाद जिले में हिंडन नदी के किनारे किसकी खोज हुई थी? तो गाजियाबाद के हिंडन नदी किनारे आपके आलमगीरपुर की खोज हुई थी, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 ईस्वी में सैंदवकालीन स्थल आलमगीरपुर की खोज किस नदी के किनारे हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंडन नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडन नदी पर सैंधवकालीन आलमगीरपुर की खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा कब की गई थी? ये यहाँ पर कब होगा, ये गलत है। कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 1958 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1236 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो निजामुद्दीन औलिया का जो जन्म हुआ था 1236 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनतकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बन्नी कहाँ के निवासी थे? तो जियाउद्दीन बन्नी जो थे बुलंदशहर में पता है बरन यहाँ के निवासी थे। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर दास का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो कबीर दास जी का जो जन्म हुआ था वो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बनारसी में। कबीर दास का जन्म बनारसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाबा फरीद के शिष्य थे? तो बाबा फरीद के शिष्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाजनपद में की राजधानी वाराणसी थी? तो वाराणसी जो है किसकी राजधानी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी काशी। काशी की राजधानी कहाँ थी? तो वाराणसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, चोल महाजनपद राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी है? तो चोल की राजधानी कौन सी थी? चेंदी महाजनपद राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो चेंदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती थी। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, सुक्तिमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म हुआ था? तो पार्श्वनाथ का जन्म जो हुआ था वो आपका वाराणसी में हुआ था। 23वें जैन धर्म तीर्थकर हैं ये, 24वें हैं महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तर भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र है? तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था कौन सा था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल में मथुरा किस धर्म का एक समृद्ध केंद्र था? तो मथुरा जो था जैन धर्म का एक केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु गणराज्य में किस स्थान पर हुआ था? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लुम्बनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का पालना जो है उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मथुरा के सोंक नामक स्थान से खुदाई में कुषाणकालीन मंदिर मिला है जिसका संबंध किस धर्म से है? जो मथुरा से सोंक नामक स्थान से खुदाई में कुषाणकालीन मंदिर मिला है जिसका संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रह्माण धर्म से। ब्रह्माण धर्म से जो कुषाणकालीन मंदिर है उसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में धर्मराज का स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अशोक। जो धर्मराज स्तूप है उसका निर्माण अशोक ने कराया था, यह आपका सारनाथ में है। 1936 ईस्वी में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1936 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में मेरठ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य जे पी कृपलानी ने। इससे पहले जो थे अबुल कलाम आजाद थे जो सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच उत्तर प्रदेश में कितनी बार भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित हुए थे? तो
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 बार। तो आपसे पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए, तो 9 अधिवेशन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1924 से 30 ईस्वी के बीच लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों में चल रहे किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा मदारी पासी ने किया था। मदारी पासी ने इसका आंदोलन किया था नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ बनाया गया, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का मुख्यालय जो था वो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया के किस कांग्रेसी नेता के नेतृत्व में अस्थायी सरकार की स्थापना हुई, अस्थायी की जो स्थापना हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलिया में हुई उत्तर प्रदेश के, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चिट्टू पांडे के नेतृत्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो फ्रेंड इससे आगे के देखने के लिए अभी तक जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में, गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र में कांग्रेस की सरकार किसके नेतृत्व में गठित हुई थी 1937 में। संयुक्त प्रांत जो है बोला जाता था तो उत्तर प्रदेश का आसपास का क्षेत्र, और उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत बोला जाता था पहले प्राचीन में 1937 ईस्वी में, तो उसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश हो गया। तो फ्रेंड हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।